से ही हमें पता चला कि इन स्कूलों के 8 स्कूलों के नाम जो है वो डीनोटिफाइड लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। और अगर ऐसा होता है तो ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अब जैसे कोई भी सरकार बनती है, मैं ना एक सरकार को बोल सकता हूँ ना दूसरी सरकार को बोलूंगा, मैं सिर्फ ये बात बोलता हूँ कि मुख्यमंत्री जी अगर यहाँ आते हैं तो उन्हें नहीं पता होता कि जांगी कहाँ है या सालूही कहाँ है या ककला कहाँ है। वो यहाँ के स्थानीय लोगों की मांग होती है और उन मांगों के आधार पर स्कूल खुलते हैं, और स्कूल जब खुलते हैं तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारे लगभग हमने 10 से 12 स्कूलों की घोषणाएं हुई थी स्कूलों की, लेकिन वो नहीं खुले। उसमें से 2-3 जैसे हमारा बाटका का स्कूल है ग्राम पंचायत उटीप के अंदर ही है, एक तराला का स्कूल है वो भी रह गया, ऐसे 2-3 स्कूल हो रहे हैं वो रह गए। क्यों रहे? क्योंकि जब यहाँ से घोषणाएं होती हैं उसके बाद इसकी जो एक विभागीय तौर पे पूरी एक रिपोर्ट तैयार होती है कि क्या वहाँ पे बच्चे भी होंगे, क्या वहाँ जो फैसिलिटी है बच्चों को मिलनी चाहिए वो क्या मिलेंगी, तो वो पूरी रिपोर्ट जब बनती है, वैसे ही हमारा जो बाटका का स्कूल था वहाँ पे जब रिपोर्ट बनाई गई तो बच्चे काफ़ी कम थे वहाँ पे, और उस आधार पे जो है वो स्कूल नहीं खुला। उसके बाद जब हमें ये पता चला, हमने दोबारा उसको विभागीय तौर पे जो है रिपोर्ट बनाने को कहा, रिपोर्ट बन के तैयार होकर डायरेक्टरेट भी पहुंच गई, फाइनेंशियल में पहुंच गई थी, लेकिन आचार संहिता लगी और उसकी जो है वो उसमें कैबिनेट में उसको मंजूरी नहीं मिली। तो इतने मेहनत करने के बाद जो आज लोग इतने खुश थे, लोगों को इतनी फैसिलिटी मिली, जब ये चीज़ें हमें इनके नाम सुनने को मिले कि स्कूल जो बंद हो रहे हैं, उसमें मुझे कसत मैं पर्सनली तौर पे काफ़ी दुख लगा, क्योंकि लोगों के अंदर एक खुशी देखने को मिल रही थी। और लगातार जब से ये सूची सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई है, लोगों के फ़ोन आने जो शुरू हुए हैं, क्योंकि ये जो फैसला है अगर सरकार इसमें लेती है तो मैं तो बोलता हूँ ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और घटिया हरकत मैं जिसको बोल सकता हूँ। क्योंकि अब अगर इन स्कूलों की हम बात करें, जो यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, इतने कठिनाई के दौर से लोग गुजर रहे थे, आज लोगों को घर द्वार में सेवा मिल रही है, तो यहाँ कोई स्कूल, मैं तो ओपनली सरकार को ये बोलना चाहूंगा कि इसमें बीजेपी के लोग तो पढ़ने बच्चे पढ़ने आते नहीं, ना कांग्रेस के लोग बच्चे पढ़ने आते हैं, इसमें जो है आम गरीब जनता, जिसमें बीजेपी कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, जो अमीर लोग हैं, जो नोटों वाले लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं कमरा किराए पे लेके बच्चों को अच्छी सुविधाएं जो शहर में आके जो स्कूलों में दे रहे हैं, लेकिन गांव के जो गरीब लोग हैं वो उन्हीं स्कूलों में आज पढ़ाई कर रहे हैं। अगर ये स्कूल बंद होते हैं तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण वश बात है, जिस तरह के लोगों के कॉल्स आ रहे हैं। और मैं जो है सरकार को ओपनली ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर हमारे ये स्कूल अगर बंद होते हैं, अगर सरकार जो है इन स्कूलों को बंद करती है, तो कहीं ये एक भयंकर आंदोलन का रूप लेगी। और जितने भी हमारे स्कूलों के मैंने नाम बताए, हम लोग जो है स्कूलों के अंदर ही वो धरना प्रदर्शन करेंगे और आंदोलन करेंगे, चाहे वो इसके लिए कुछ भी करना पड़े, क्योंकि यहाँ बात पार्टियों की नहीं, बात है बच्चों के भविष्य का सवाल है। बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।